डायरेक्ट एक्शन। अब शिकार होगा अलग लेवल पे। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म, मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म, सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजो करगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती स्वरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजो करगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर ले दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार दिखाया गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के
सुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सई के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात, हसीता, रामुल्ला, कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार पैडिंग द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा राग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगुस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगा मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगा मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगा मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रोसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता
निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के 7 वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला नियाजोकर का मूवी, जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी।
बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती स्वरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म मचरला नियाजो करघा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने रूप जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बु नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पत्रों को पेंचिदिग्गियों
की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा राइग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर ले दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार दिखाया गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एस एस राजमौली के डायरेक्टर में
उनकी 2004 की फिल्म सई के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धौर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपने तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता
निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बु नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंसिल दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें।
फिल्म माचरला न्याजो करगा मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजो करगा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर ले दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपन्ना के साथ
बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा राग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोचाउटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत
2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बु नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार दिखाया गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोचाउटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याचो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजो करगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रोसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महति स्वरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा
वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म मचरला नियाजो करघा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज़ की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के 7 वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पत्रों को पेंसिल दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा राग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगुस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी।
हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म, मोस्ट एंड मोस्ट वॉचेड फिल्म, सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रोसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर ले दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टिंग
डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पत्रों को पेंसिल दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा राग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था।
नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सई के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के 7 वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंसिल दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोचौटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था
और श्रेष्ठा मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म मचरला नियाजो करघा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है, जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर ले दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US 13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल
सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पत्रों को पेंचिदिग्यो की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म, मोस्ट एंड मोस्ट वॉचेड फिल्म, सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रोसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने
उसने तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंसिल दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोचौटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की
सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजो करघा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजो करघा मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता
नितिन सर की फिल्म मचरला न्याचो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को YouTube पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला न्याचो करगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म मचरला न्याचो करगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों SS राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के 7 वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है।
अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपने तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंसिल दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोचौटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महति सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी।
बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बु नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सई के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म मोस्ट एंड मोचोटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याचो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजो करगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रोसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी।
बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महति स्वरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म मचरला नियाजो करघा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पत्रों को पेंचित दिग्गजों
की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा राइग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोचौटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एस एस राजमौली के डायरेक्टर में
उनकी 2004 की फिल्म सई के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता
निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के 7 वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर लें सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोचौटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें।
फिल्म माचरलाई न्याजोकर का मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रोसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकर का मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एसेडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बू नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के 7 वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ
बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंसिल दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा राइग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12 अगस्त 2022 में रिलीज हुई न्यू अपकमिंग मूवी माचरला न्याजोकरगा मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचरला न्याजोकरगा मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को यूट्यूब पे आपको हिंदी भाषा के साथ कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचरला न्याजोकरगा मूवी जो कि साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म है, यह एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे M.S. राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और डायरेक्ट किया गया था और श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। यह फिल्म में नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और कैथरीन ट्रॉसा है। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी की जोड़ी यह फिल्म में जबरदस्त चली है। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की थी। यह फिल्म आदित्य मूवीज एक इंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज और बैनर तले निर्मित है। प्रधान फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई और गीत संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग को महती सौरा सागर द्वारा रचित है। ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था। पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश और अजीज सजना की कमलेश द्वारा गाया गया था। बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता नितिन की सुपरहिट फिल्म माचरला न्याजोकरगा मूवी में अपने जबरदस्त रोल निभाए हैं जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था। नितिन ने जो कि जिन्होंने अपने पेशावर रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है और अपने भारतीय अभिनेता निर्माता है जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम के लिए उन्होंने अपने फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया गया था। नितिन ने सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने 2002 की रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अपने अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण की दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सही 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इसके 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। बात कर लें दोस्तों 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो की श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना की थी। नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुपरस्टार अभिनेता साउथ इंडियन की सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत
2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म जयम से की थी, जो कि अपने निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बु नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार दिखाया गया था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन की टेस्ट और फोटो सत्र किया था। उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड रूप के चुना। और बात करें दोस्तों एसएस राजमौली के डायरेक्टर में उनकी 2004 की फिल्म सही के बाद नितिन ने कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिसमें कुछ धैर्य और अज्ञात और सीता रामुल्ला कल्याणम है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा लगातार सबसे अधिक फ्लॉप 12 का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2012 की विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टर और रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा था। दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, जो कि भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु सिनेमा में काम करती है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अपनी तेलुगु सिनेमा में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म उपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी। कीर्ति सुरेश जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है और हिंदी फिल्म सुपर 30 में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद सिटी ने 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म अपेन्ना के साथ बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित और मिथ्री मूवी मेकर्स के सुकुमार रेड्डी द्वारा निर्मित मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ यानी US$13 मिलियन से अधिक का संग्रह करके व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन को समीक्षा करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने लिखा कि नवोदित कलाकार वैष्णव और कीर्ति अधिकांश भाग के लिए अपने पात्रों को पेंचित दिग्गजों की अच्छी तरह से खींचने का प्रबंध करते हैं। 2021 में वह नानी के साथ तेलुगु फिल्म श्याम सिन्हा रायग में दिखाई दिए और 2012 में वह एन लिंगोस्वामी द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म द वॉरियर में राम पेतुनेनी के साथ दिखाई दी थी। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता बन गई थी।